मॉर्निंग मॉर्निंग का तो हम लोगों का एमपी स्टमक वाला टेस्ट है वो हो गया और अब हम लोग आए थोड़ा ब्रेकफास्ट करने और अब हम आए थोड़ा ब्रेकफास्ट करने ब्रेकफास्ट के बाद में और दूसरे टेस्ट होंगे क्लिनिक है उसके पास में ही है एक समर रेस्टोरेंट ये रिलायंस मार्ट के सामने तो यहाँ कर रहे हैं ब्रेकफास्ट सो हो गया मेरा हम दोनों हस्बैंड वाइफ का बॉडी चेकअप और मुझे इतनी नींद आ रही है ना रात में मैं सोई थी थोड़ा लेट डेढ़ बज गए थे सोते सोते और मॉर्निंग में सेवन मतलब सात बजे के पहले ही उठना पड़ा क्योंकि आठ बजे पहुंचना था क्लिनिक एम्प्टी स्टमक और दो तीन टेस्ट के बाद में ब्रेकफास्ट करने गए थे जो मैंने आपको दिखाया क्लिप्स बट आई डोंट नो आपको उसमें आवाज़ आई होगी कि नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर था क्योंकि मेन खराड़ी वाला एरिया था और वहाँ बहुत ट्रैफिक भी होता है तो बहुत शोर था नहीं मालूम आपको सुनाई दिया भी होगा कि नहीं तो वो सब किया था उसके बाद में नाश्ते के बाद वाले चेकअप्स वो सारी चीज़ें हो गई और अब फाइनली मैं हम घर की तरफ जा रहे हैं तो सोचा थोड़ा नारियल पानी और फ्रूट्स वगैरह लेते हुए जाए पी के तो दिखाओ हम तीनों पी रहे नारियल पानी मैं बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ बस घर जा करके खाना बनाने में लगना है 11 o'clock हो गए हैं पहुँचने से पहले मेड को फ़ोन कर दूँगी कि आ जाना बिकॉज वो सोसाइटी में तो आ गई होगी बट मैंने मना किया था मेरे घर थोड़ा लेट आना दूध वाला आके चला गया होगा मैं उसको बताने भूल गई थी तो आज दूध भी नहीं हो पाएगा बाहर से ही लेना पड़ेगा फ्रूट्स ले लेते हैं ना चलिए घर चलती हूँ फिर आप लोगों से बात करते हैं तो हम लोग घर आ गए हैं और नहा भी लिया है और ये दोनों तो नीचे गए हैं थोड़ा सा इन्होंने बोला मैं टिमटिम को नीचे घुमाता हूँ फिर आता हूँ और मैंने लंच प्रिपरेशन में लग गई हूँ मैं ब्रेकफास्ट तो बाहर ही कर लिया था और मैं थोड़ा जल्दी लंच प्रिपेयर करने वाली हूँ ताकि लंच करके हम लोग सो जाएं और फिर टिमटिम की शाम को स्केटिंग क्लास भी है बट आज शायद मैं नहीं जाऊँगी आज मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं लगती है सो मैं बना रही हूँ आज कटहल के कोफ्ते कटहल मतलब जैक फ्रूट हिंदी में कटहल बोलते हैं इंग्लिश में जैक फ्रूट बोलते हैं एंड मराठी में शायद फनस बोलते हैं बताना अगर मैं गलत बोल रही होंगी तो मराठी का इसलिए पता है क्योंकि आज मेरी जो क्लीनिंग वाली हाउस हेल्पर है ना उन्होंने मुझे बताया कि इसे फनस बोलते हैं वो मराठी हैं सो मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली उसको क्या बोलते हैं तो मैंने अभी मेरे पास बेबी जैक फ्रूट था बेबी कटहल जिसमें सीड बीज नहीं होते हैं तो उसे मैंने बॉईल कर लिया है थोड़ा सा सॉल्ट और पानी डाल करके अब मैं बाकी की तैयारियां करती हूँ मेरा कपड़े भी धुल गए हैं बाकी की तैयारियां करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ कटहल के कोफ्ते सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है ये मैंने कटहल को बॉईल कर लिया है थोड़ा सा सॉल्ट और पानी के साथ में और अराउंड मैंने 4-5 सीटी दी थी कुकर की तब जाके ये अच्छे से बॉईल हो गया है अब हमें इसे हैंड से अच्छे से मैश कर लेना है जैसे कि मैंने किया है अब ये सारा कटहल जो था ये मैश हो गया है अब इसमें मैंने अराउंड 5 चम्मच बेसन के डाले और बेसन डालने के बाद में मैंने गार्लिक और जिंजर इन दोनों को अच्छे से क्रश करके रखा था वो डाल दें आप अदरक और लहसुन का पेस्ट भी बोल सकते हैं मैंने क्रश करके रखा था वो डाल दिया देन इसके बाद में इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको सॉल्ट डालना है हल्दी डालना है थोड़ी हींग डालनी अगर आपको जीरा और धनिया का पाउडर डालना है तो वो डाल ले थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं लाल मिर्च डाल सकते हैं हरी मिर्च भी डाल सकते हैं हरी मिर्च मैंने इसलिए डाला क्योंकि अगर वो मतलब टिमटिम नहीं खा पाती अगर हरी मिर्च ही डाल देती मैं तो और फिर उसके बाद में उसमें हरी धनिया डाल करके इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसके जिस शेप में आपको बनाना है उस शेप में आप कोफ्ते बना सकते हैं मिक्स करना भी बिल्कुल आसान होता है लाइक आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं करना है कुछ भी ऐड नहीं करना है बस इसको आपको थोड़ा टाइम दे करके मिक्स करना है और ये अपने आप बहुत अच्छा सा डो बन जाता है जैसा आटे का डो होता है ना बिल्कुल वैसा ही थोड़ा भी पानी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है थोड़ा भी कुछ गीला ऐड करने की और वो बहुत सूखा लग रहा है हो सकता है आपसे बेसन ज़्यादा डल गया हो तो आप बिल्कुल थोड़ा सा वाटर इसमें ऐड कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करना है तो ये देखिए हमने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है सारे इन्ग्रीडियंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं
अब हम बनाएंगे इसके कोफ्ते। मैं गोल कोफ्ते नहीं बनाती हूँ बॉल के शेप में, मैं थोड़े इस टाइप के चिपटे जो कोफ्ते होते हैं या भजिए होते हैं वो बनाती हूँ कटहल के, बिकॉज इसमें क्या होता है ऑयल भी थोड़ा कम लगता है फ्राई करने में। वो गोल वाले जो होते हैं जो बॉल शेप में होते हैं उन्हें फ्राई करने में थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लग जाता है, सो दैट्स व्हाई। तो बस इसे अब लो मीडियम फ्लेम पर पकाना है और थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहना है। बहुत जल्दी पक जाता है क्योंकि कटहल ऑलरेडी बॉइल्ड है, बस हमें बेसन और वो मसालों को थोड़ा सा पकने देना होता है। और बस फिर इसे अच्छे से थोड़ा इसका कलर जब आ जाए उसके बाद इसे निकाल लें और आपके जो कोफ्ते हैं वो रेडी हो जाते हैं। अब इन कोफ्तों को बना करके मैंने नॉर्मल ग्रेवी बनाई थी टमाटर लहसुन अदरक प्याज इन सारी चीज़ों की और धनिया पाउडर वगैरह जो भी हम नॉर्मल ग्रेवी बनाते हैं वैसी ग्रेवी बना करके मैंने ये कोफ्ते जो होते हैं ये उसमें डाल दिया था। तो मेरे जो कटहल के कोफ्ते की रेसिपी है वो हो गई थी, बट मैं पूरा शूट नहीं कर पाई, मैंने सिर्फ ये पकौड़े ही शूट किए थे और फिर मुझे कैमरा बंद करना पड़ गया था। आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी लगता है। हेलो, मैंने कल आप लोगों से बात की थी सैटरडे को जब मैं हॉस्पिटल से आई थी एंड डिनर लंच बनाने गई थी। मैंने आपको बताया था कि मैं कटहल के कोफ्ते बनाने वाली हूँ एंड थोड़ा सा बस आपको मैंने रेसिपी दिखाई, लाइक कटहल के भजिए बनाते तक तो दिखाया, फिर उसके बाद मैंने रेसिपी शूट नहीं की क्योंकि हम लोगों को बहुत भूख लग गई थी और बहुत जल्दी बनाना था। सो दरअसल मेरी आईब्रोज बहुत बढ़ गई हैं, बिल्कुल भी शेप में नहीं है, आज भी टाइम है जा सकती हूँ कराने। सो कल आफ्टरनून के बाद क्या हुआ, हम लोगों ने जल्द जल्दी खाना खाया और फिर टिमटिम, फिर हम सब सोने चले गए एंड टिमटिम को आ गया फिर फीवर हल्का हल्का सा, और रीज़न था क्योंकि कल टिमटिम बहुत रोई थी क्योंकि उसे नीचे से ऊपर नहीं आना था। मैंने आप लोगों को आफ्टरनून में बताया था कि वो अभी नीचे गई है पापा के साथ, बट उसको ऊपर नहीं आना था, उसको नीचे ही धूप में खेलना था और अभी धूप बहुत गर्म हो रही है आजकल की, तो वो नहीं, मतलब वो बहुत ट्राई किया उसने और रोने की वजह से उसको आफ्टरनून में फीवर हो गया। तो कल शाम तक रात तक उसको फीवर था, 8 बजे वो सो गई खाना वाना खा के रात में अपने से, हमें सुलाना भी नहीं पड़ा कुछ भी नहीं। और मेरा भी कल से थोड़ा लो फील कर रही थी मैं, इवन आज भी मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, बट आज था संडे तो टिमटिम को आज टिमटिम मॉर्निंग से ठीक थी तो आज वो गई थी अपनी स्केटिंग क्लास, कल की उसकी स्केटिंग क्लास भी मिस हो गई थी बिकॉज उसकी तबीयत ठीक नहीं, ये रही टिमटिम। तो ओके अभी टिमटिम टीवी देख रही है, यार मेरे को थ्रेडिंग कराने जाना, मेरी आईब्रोज बहुत ख़राब हो गई हैं, चलते हैं ना। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ तो आज गई थी वो स्केटिंग क्लास और आज मैं घर से बाहर ही नहीं निकली क्योंकि यार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अभी बस मैं मेरा वीडियो एडिट कर रही थी 14th February का, अभी थोड़ी देर से लाइव कर दूँगी, ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे उसमें, बट मैंने सोचा कर देती हूँ लाइव आज ही। और ये व्लॉग आपको शायद ट्यूसडे मिलेगा क्योंकि मैंने सैटरडे संडे कुछ भी व्लॉगिंग ही नहीं की क्योंकि मैं इतना लो हो गई थी, कल से मैं थोड़ी ठीक रहूँगी। तो ठीक है फिर अभी चलिए, अगर बाहर गई तो लेके चलती हूँ आपको, इतनी गंदी लग रही है मेरी आईब्रोज, कोई शेप ही नहीं है देखिए। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर से, चलिए ठीक है मैं आती हूँ थ्रेडिंग करा करके, और बाइक से जा रही हूँ इसलिए नो व्लॉगिंग, घर आकर के फिर हम बातें करेंगे। सो मैं थ्रेडिंग करा करके वापस आ गई हूँ और मैं ले आई हूँ अपने साथ पानी पूरी एंड थोड़ी सी सब्ज़ी, और इन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया था और ड्रॉप करके वापस घर आ गए थे क्योंकि टिमटिम घर पर अकेली है, वो नहीं गई थी हमारे साथ, तो मैं वहाँ से वापस आ रही हूँ, बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पे था। सो थ्रेडिंग करा के फेस थोड़ा सा क्लीन सा लग रहा है ना, पानी पूरी बहुत मन कर रहा था मेरा खाने का, और ये हूँ मैं। चलिए टिमटिम को भी अच्छा पानी पूरी, वो लड्डू बोलती है इसे, पानी पूरी कौन कौन रहता है शायद इसलिए लड्डू लिया। और मैं पानी पूरी भी ले आई हूँ, गिराना नहीं पर फूट जाएगी। टिम टिम लड्डू खाओगी, पापा आ गए थे, आपको अकेले डर तो नहीं लगा?
सो पानी पूरी तो खा ली और अब मैं जा रही हूँ डोसा बनाने के लिए। डोसा का बैटर रखा हुआ है और ये दोनों देख रहे हैं जुरासिक पार्क और डायनासोर। हाँ डायनासोर आ रहा है, उसमें जुरासिक पार्क देख रहे हैं। पहले ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, देन मैं बनाती हूँ डोसा। हेलो, मैं आप लोगों से कल रात के बाद अभी बात कर रही हूँ। अभी आज मंडे है और घर का सारा काम हो गया है। हस्बैंड ऑफिस, टिमटिम स्कूल और मैं अभी रेडी हो रही हूँ। मेरा साड़ी हॉल शूट करूँगी रिव्यू टाइप, बिकॉज मैंने वो साड़ियाँ ऑनलाइन मंगवाई हैं तो ऑनलाइन चीज़ों का रिव्यू करना बनता है। तो बस मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ। आज सोच रही हूँ थोड़ा अच्छे से रेडी होने के लिए, आफ्टर दैट मैं शूट करूँगी वो वीडियो। मैं जितने भी प्रोडक्ट्स अभी यूज़ कर रही हूँ सबके लिंक्स आपको दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको चाहिए होगी तो। ये जो ब्रश मैं यूज कर रही हूँ ये है पूना स्टोर्स का, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रश के बारे में पूछते हैं। तो ये फाउंडेशन ब्रश नहीं है, ये पाउडर ब्रश है, इसी से मैं फाउंडेशन भी ब्लेंड कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि बखूबी ब्लेंड हो रहा है। सो आफ्टर फाउंडेशन मैं लगाऊंगी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट। फेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पाउडरी लग रहा है, बट बिकॉज मैंने ब्रश से अप्लाई किया है तो थोड़ा सा प्रेस करना भी। मेरे हेयर ऐसे क्यों दिख रहे हैं जैसे मैंने पाउडर लगा लिया हो। थोड़ा सा ब्लश ऑन माई चीक्स, बस इतना काफ़ी है। लाइनर लगा लेती हूँ फिर मिलते हैं। सो लाइनर भी लगा लिया, बस लास्ट में लगा लेते हैं लिपस्टिक। बस हो गया, हो गई मैं रेडी। कॉम्ब कर लूँ, इयररिंग्स पहन लूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से फाइनल लुक के साथ में। सो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने हेयर कॉम कर लिया है, मैंने इयररिंग्स पहन लिए हैं और मैं कम्प्लीटली रेडी हूँ। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए, लिपस्टिक विपस्टिक एंड ऑल, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये वो क्रॉप टॉप है जो मैंने मिंत्रा से मंगवाया था। और चलिए अब जल्दी से हम साड़ी का रिव्यू कर लेते हैं फिर, क्योंकि मुझे टिमटिम को लेने भी जाना है, बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो। चलते हैं जल्दी से, बताना कैसी लग रही हूँ। सो फाइनली मैंने जो मेरा साड़ी हॉल था वो कर लिया है, बस थोड़ी पिक्चर्स क्लिक करनी है, देन उसके बाद मैं ब्लाउजेस स्टिचिंग के लिए दे दूंगी। एंड आई होप आपको साड़ीज़ अच्छी लगेंगी। ये मेन चैनल पर जाएगा वीडियो, अभी नहीं दिखाऊंगी कौन सी साड़ीज़ है, थोड़ा एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए। सो बस अभी मुझे लेट हो रहा है, अब अगर मैं थोड़ी देर और बैठी रही तो टिमटिम को लेने जाने में लेट हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे फेस क्लीन करना है फिर जाना है और ड्रेस चेंज करके जाना है। सो ओ रेड कलर देख लिया आपने, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, मैं मिलती हूँ आप लोगों से टिमटिम को लेकर आने के बाद में, क्योंकि कुछ चीज़ें दिखानी थी आपको। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर से, बाय बाय। हेलो, सो फाइनली मैं टिमटिम को लेकर आ गई थी, उसे सुला दिया है एंड अब पुणे में गर्मी आ गई है। मैंने फ़ैन ऑन किया क्योंकि गर्मी लगने लग गई है अब, तो टिमटिम को सुला दिया, लंच वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं एंड अब व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। सो मैंने जो लास्ट व्लॉग आपको शेयर किया था जिसमें आपने देखा था कि हम लोग 14th को बाहर गए थे और मैंने कुछ ख़रीदा था, मैंने आपको बताया था कि मैंने घर के लिए कुछ ख़रीदा है, बट उस टाइम कुछ ऐसे माहौल हो गए कि कुछ मन ही नहीं किया कि मैं ये सब आपको दिखाऊँ और बताऊँ कि क्या लाई हूँ। तो
अभी आपको बताऊंगी कि मैं क्या लाई थी उस दिन। सो जैसे कि आपको पता है हम गए थे फिनिक्स, तो फिनिक्स में हम गए थे 99 मार्केट, और अगर आप पुणे में रहते हैं तो आप कोशिश करिएगा कि आप जल्द से जल्द जाकर के फिनिक्स में 99 मार्केट विज़िट करें, क्योंकि अभी उसमें न्यू स्टॉक आया है। लाइक मैंने अभी इस बार गई थी तो मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी जो मुझे पहले नहीं दिखती थी वहाँ 99 मार्केट में। डेकोरेशन से लेकर के किचन आइटम सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, बट नहीं पता मैंने क्यों लिया। अभी मुझे थोड़ा रिग्रेट हो रहा है, घर आके लगता है ना यार ये ले लेना था वो ले लेना था, पर मुझे पैसे भी ज़्यादा नहीं लगाने थे, अभी मन नहीं था मेरा ज़्यादा पैसे स्पेंड करने का डेकोर को लेकर के। बहुत सस्ती सस्ती से दो तीन चीज़ें ली है मैंने, वो मैं आपको दिखाती हूँ, लूँगी बाद में डेकोर के लिए, बट अभी फ़िलहाल मुझे ज़्यादा खर्चा नहीं करना था। तो सिर्फ तीन चीज़ें लाई हूँ मैं। सबसे पहले मैंने ये एक फेक प्लांट फेक ट्री लिया है, ये 99 मार्केट से, और ये आई थिंक 249 रुपीज़ का था। इसका टैग मैंने कल ही निकाला, तो ये 249 रुपीज़ का था और अच्छा है, मतलब लुक वाइज भी बहुत अच्छा है, साइज़ वाइज भी अच्छा है, और मुझे रीजनेबल लगा। इसकी क्वालिटी वगैरह सारी चीज़ें अच्छी हैं, और ये इसका पॉट भी अच्छा है, तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ एक अलग से पॉट में डालना पड़ेगा, तो ओवरऑल अच्छा है। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन देखो तो 300-400 से कम में नहीं मिलती हैं। मैंने क्योंकि अमेज़न में बहुत सारी चीज़ें एक्टो कार्ट करके रखी थी ऐसी, ये जो इंडोर फेक प्लांट्स होते हैं ना ये, बट वो थोड़े कॉस्टली थे, तो अच्छा हो गया मैंने ऑर्डर नहीं किया था। प्लेस मुझे ये दिख गए 99 मार्केट में। तो पहले मैंने ये एक फेक प्लांट लिया, या फेक ट्री भी बोल सकते हैं। देन मैंने सेकेंड एक और ये मनी प्लांट लिया फेक। ये फेक मनी प्लांट 189 रुपीज़ का है आई थिंक, प्राइस टैग 189 का है ये। और एक्चुअली मैंने सेम इसी टाइप के उसमें अमेजोन में एड टू कार्ट करके रखे थे जो 299 रुपीज़ ईच के थे, और ये मुझे उससे ऑलमोस्ट 100 रुपये कम में ही मिल गए। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने सोचा ये ले लेती हूँ एक, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें किसी भी कोने में रख दो घर में वो अच्छी ही दिखती हैं, चाहे हॉल हो, बेडरूम हो, किचन हो, कहीं भी रख दो, ये चीज़ें घर में बहुत अच्छा लुक लाती हैं। फिर भले ही आपके घर की थीम जो भी हो, ये ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। सो इसलिए मैंने ये लिया सेकेंड। एंड लास्टली मैंने ये एक टिन का बकेट लिया छोटा सा, मैंने सोचा इसमें कटलरी वगैरह रखूँगी किचन में, किचन के लिए लिया है बेसिकली, इधर उधर इसे रख दो तो थोड़ा सुंदर दिखता है। पहले मैंने सोचा था कि इसको इसके अंदर डाल दूँगी लाइक सो, लेकिन फिर मैंने सोचा इसका बेस तो अच्छा है तो इसको वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसलिए मैं इसको शायद इसमें कटलरी या कुछ तो भी रखूँगी किचन में। बट अभी फ़िलहाल ने जब मैंने देखा तो वो बहुत खुश हो गए, उसने कल आपको दिखाया भी था मेरे लास्ट व्लॉग में, आपने देखा होगा कि मैंने कुछ लाया है ऐसे करके, तो उसको ऐसा लगा कि मैंने उसके लिए लिया है। तो मैंने कहा ठीक है थोड़े दिन वो खेलेगी, फिर बच्चे बोर हो ही जाते हैं थोड़े टाइम पे। तो एक सेकेंड इन्वर्टर, तो ये है 119 रुपीज़ का। मैंने सोचा था इसमें कि दो तीन ले लूँ, बट अभी फ़िलहाल एक ही लिया, और अच्छा हो गया एक ही लिया क्योंकि मुझे और की ज़रूरत नहीं है, एक काफ़ी है। सो बस ये तीनों चीज़ें ली मैंने 99 मार्केट से, और आप ज़रूर विज़िट करना अगर आप इधर ही रहते हैं आसपास तो, क्योंकि मतलब पुणे के फिनिक्स जाकर देखना, बहुत अच्छे अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। सो यहाँ पर मैं ये ब्लॉग जो है इसे फिनिश कर रही हूँ, एंड होपफुली मैं थोड़ी देर बाद या आज शाम से ही न्यू ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, बट अभी तो फ़िलहाल ये एंड कर रही हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम आए होंगे मेरे ब्लॉग में, मेरे इस चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है लाइक्स देख करके। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। आज एक्चुअली बहुत डाउन फील कर रही हूँ, मेरी आइज़ वगैरह दर्द हो रही है, मैं थोड़ा रेस्ट लूँगी जा करके, 3:30 बज रहे, थोड़ी देर सोती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।